इन दिस क्लास वी डिस्कस द एनालॉग फिल्टर्स। एनालॉग फिल्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से के अंदर भी। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम एनालॉग फिल्टर्स क्या होते हैं वो और कितने टाइप्स के एनालॉग फिल्टर्स होते हैं वह और उनके रिस्पॉन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फिल्टर्स जो है आपके एनालॉग फिल्टर्स क्या चीज है। नाउ एज वी से द नेम है फिल्टर, तो फिल्टर का जनरल मीनिंग क्या होता है, वो चीज जो भी किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल्स को या पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल्स को अलग करें। जैसे हम घर में कई तरह के फिल्टर यूज करते हैं, जैसे कि हम चाय बनाने के लिए भी हम चाय छानने के लिए यूज करते हैं, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ अ फिल्टर, अ मैकेनिकल फिल्टर जो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल दो चीजों को अलग कर रहा होता है। सिमिलरली वी हैव केमिकल फिल्टर्स जो एक केमिकल को दूसरे केमिकल से सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं। सिमिलरली वी हैव द एनालॉग फिल्टर्स। एनालॉग फिल्टर्स वर्क करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वर्क करते हैं। नाउ व्हाट वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क कैसे करते हैं ध्यान से देखें। एक पर्टिकुलर सर्किट जिसमें हम सिग्नल पास करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, सपोज अ 1 वोल्ट सिग्नल विद डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज की, और जो इसका आउटपुट होगा वो आउटपुट वी आउट इसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ना हो करके वी आउट इफ द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, वी से दिस टाइप ऑफ सर्किट आर अ टाइप ऑफ अ एनालॉग फिल्टर्स। तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है, इसका रिस्पॉन्स हम कुछ इस तरह प्लॉट करते हैं। ऑन वाई एक्सिस वी हैव गेन और द एम्पलीट्यूड ऑफ सर्किट, सपोज दिस इज वी इन अपॉन वी आउट वाई एक्सिस पे, इसको आप गेन भी कह सकते हैं। द एक्स एक्सिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, वी हैव अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो और अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नाउ दिस गेन आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक पर्टिकुलर टाइप है फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स का, हम कहते हैं लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर, सो लो पास फिल्टर क्या कहता है कि ये लो फ्रीक्वेंसीज को पास, एज ए नेम से करता है लो फ्रीक्वेंसी। सो इफ वी अप्लाई इनपुट सिग्नल ऑफ अ डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम फिल्टर्स की बात कर रहे हैं हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, जनरली कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और रेफरेंस फ्रीक्वेंसी। सो दिस अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से एफ सी कहीं भी लाई करती होगी। सो अब इस एफसी से बात करेंगे। अ लो पास फिल्टर सेज दैट इट इज अ फिल्टर विच पास द फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन एफसी। तो इसका कुछ रिस्पॉन्स इस तरह से आना चाहिए, यानी जो आउटपुट होगा गेन, वो आउटपुट जो गेन है ये हाई होगा सिर्फ उन इनपुट सिग्नल्स के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी एफसी से कम हो, और वो इनपुट सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफसी से ज्यादा होगी उसके लिए गेन हो जाएगा जीरो। ये है आइडियल रिस्पॉन्स। प्रैक्टिकली ये इतना फ्लैट नहीं होता है, ये हम भी आगे देखेंगे कि प्रैक्टिकल और आइडियल में क्या फर्क होता है। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं फिल्टर्स क्या चीज होती है। तो जब भी हम फिल्टर्स की बात करेंगे वी हैव अ कट रेफरेंस फ्रीक्वेंसी और वी से इट इज अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो फिल्टर्स आर बेसिकली अ सर्किट जिसका गेन इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और उसके रिस्पॉन्स को हम प्लॉट करते हैं गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी की टर्म के अंदर। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ फिल्टर्स। नाउ वी सी कि फिल्टर्स हमारे पास कितनी टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के फिल्टर्स हमने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। नाउ दिस इज द टाइप ऑफ फिल्टर जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। सो यहां पर जितनी भी कैटेगरीज फिल्टर्स की पॉसिबल है ऑलमोस्ट आपके जो सिलेबस में, वो यहां पर डिस्कस किए। सबसे पहले देयर इज अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर वो फिल्टर जो आउटपुट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। सो लो पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। हाई पास फिल्टर एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रीक्वेंसी से जिसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने वाला। देन बैंड पास फिल्टर। नाउ बिकॉज देयर इज अ टर्म बैंड, या बैंड आ रहा है,
तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए काम करेगा। सो यहां पर हम एक फ्रीक्वेंसी, एक रेफरेंस फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे, जैसे हमारा लो पास और हाई पास में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, यहां पर हमारे पास दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी, यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज होंगी और एक पर्टिकुलर बैंड बनाएगा। तो सपोज इट सेज द बैंड पास फिल्टर, तो एक पर्टिकुलर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए पास करेगा, बाकी सबके रिजेक्ट कर देगा। सो वी हैव अ लो फ्रीक्वेंसी एंड अ हाई फ्रीक्वेंसी। जब जब हम बैंड की बात करेंगे, वहां पर दो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड हायर फ्रीक्वेंसीज, जो कि पर्टिकुलर एक बैंड डिफाइन करेगी। अगेन बैंड पास फ्रीक्वेंसीज, बैंड पास फिल्टर्स जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, या तो वाइड बैंड पास फिल्टर या नैरो बैंड पास फिल्टर। वाइड बैंड पास फिल्टर जिसके अंदर आपकी जो बैंड विड्थ होगी, काफी जो बैंड की विड्थ है काफी ज्यादा बड़ी होगी। सो बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ बताते नहीं है कि हमारा वाइड बैंड है या नैरो बैंड है, तो बाय डिफॉल्ट वी टेक अ बैंड पास फिल्टर एज ऑलवेज बी एज ए वाइड बैंड पास फिल्टर। ऑन अदर हैंड नैरो बैंड पास फिल्टर वो होगा जहां पर ये जो बैंड है काफी नैरो होगा, समथिंग लाइक कि एक बहुत कम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास करे, समथिंग कि इस तरह से सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज बैंड के लिए। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सिमिलरली वी हैव अ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, जैसे बैंड पास फिल्टर है सिमिलरली वी हैव अ वाइड बैंड रिजेक्ट और नैरो बैंड रिजेक्ट। सो बाय डिफॉल्ट अगर डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा बैंड रिजेक्ट फिल्टर है, वी विल से डिफॉल्ट इट इज ए वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर। नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर्स को एक और नाम दिया गया है, नॉच फिल्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉच फिल्टर्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी ऑल्सो हैव ए ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर मतलब कि ये हर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, अगर ये हर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा तो इस फिल्टर की का क्या यूज है, ये हम अपने आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ फिल्टर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइडियल रिस्पांस एंड रियल रिस्पांस। तो आइडियल रिस्पांस और रियल रिस्पांस समझने के लिए हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया लो पास फिल्टर। So, अगर आइडियल रिस्पांस की बात करें और एक लो पास फिल्टर एग्जांपल है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fc है, यानी कि fc से कम फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, तो ब्लैक लाइन शोज द आइडियल कर्व कि fc से कोई भी फ्रीक्वेंसी कम हो वो सिग्नल पास हो, और जैसे fc से ज्यादा हो सिग्नल आपका ब्लॉक हो जाए। बट द ग्रीन लाइन शोज यू द रियल रिस्पॉन्स, जो अगर हम एक रियल सर्किट बनाएंगे तो उसका सर्किट कैसे, उसका वर्किंग एग्जांपल कैसे काम करेगा। तो बेसिकली एक लो पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम होता क्या है, द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ अ लो पास फिल्टर इज नथिंग अ आरसी सर्किट, कुछ इस तरह से होता है। अ बेसिक लो पास सिग्नल, आप यहां से अपनी फ्रीक्वेंसी पास करेंगे तो आपको आउटपुट के अंदर ये जो कर्व होगा आपका कुछ ग्रीन लाइन टाइप का मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है ये हम देखेंगे जब हम इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे लो पास फिल्टर की। सो फिलहाल अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम इसके रिस्पांस के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर हमें क्या क्या टर्म्स हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। जो टर्म्स अभी हम यहां फाइंड करेंगे लो पास फिल्टर के लिए, वो सारे के सारे टर्म्स हर टाइप के फिल्टर में यूज होती है, इरिस्पेक्टिव यू लो पास है कि नहीं। सेम टर्म्स आपकी यूज होंगी हाई पास के अंदर, बैंड पास में, नोच में, सबके अंदर वो टर्म यूज होंगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट होता है वो ये पॉइंट होता है कि यहां पर तो आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल्कुल शार्पली दिख रही है आइडियल रिस्पॉन्स में, बट प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स में ऐसा कोई शार्प कट नहीं आ रहा है जिसको हम बोलेंगे कि मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉइंट कि वो कट ऑफ पॉइंट कहां पर होगा। सो इसका सॉल्यूशन है कि वो पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसको लिए एक 3 dB पॉइंट फाइंड करते हैं, 3 dB पॉइंट, ऑब्वियसली -3 dB पॉइंट। Now, what is the -3 dB point? अगर आपका y एक्सिस जो गेन प्लॉट कर रहा है ये या डीबी में प्लॉट किया गया हो, लॉगरिथमिक स्केल हो, या फिर अगर लीनियर प्लॉट किया गया, दोनों किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ये आपका डीबीज में प्लॉट किया गया, मतलब 0 dB 1, 2, 3, 4 dB में है। सो इफ दिस पॉइंट इज हैव 0 dB तो नीचे आएंगे जहां पर ये -3 dB होगा
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बोलेंगे दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी आपका हाईएस्ट गेन होगा उसमें से 3 dB कम कर दीजिए। अगर dB में गिवन नहीं है और लीनियर कर्व है गेन का, तो हम एक वो पॉइंट फाइंड करेंगे इस एक्सिस पे जहां पर आपका गेन 1/√2 हो जाए। सो इस पर्टिकुलर गेन ए का 1/√2 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए और वहां से एक लीनियर लाइन प्लॉट करेंगे, जहां भी वो कट करेगा उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का ये मेथड है, चाहे वो आपका लो पास है, हाई पास है, बैंड पास है, कुछ भी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक आइडियल रिस्पॉन्स के अंदर तब होगी जब आपका गेन a/√2 हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है इसका स्लोप। ग्रीन लाइन जो आइडियल रिस्पॉन्स की जगह आपको रियल रिस्पॉन्स दिखा रही है स्लोप। इफ वी वॉन्ट कि मेरा फिल्टर अच्छा हो तो मैं चाहूंगा कि मेरा रिस्पॉन्स है जो ये स्लोप है, ये स्लोप शार्प 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 एंड शार्प। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कुछ इस तरह से है, अगर ये मेरा स्लोप जो है ये कुछ इस तरह से हो जाता, समथिंग लाइक, तो ये और बेटर होता, और स्टीप होता तो और बेटर होता। तो एक सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपके फिल्टर्स की होती है वो होती है स्लोप ऑफ रियलिस्टिक रिस्पॉन्स के। ये स्लोप डिपेंड करता है कि आपका किस ऑर्डर का फिल्टर है। सो हम थर्ड पॉइंट सीखेंगे ऑर्डर ऑफ फिल्टर। जितना हायर ऑर्डर होगा उतना स्टीप आपका कर्व आएगा। नाउ व्हाट वी मीन बाय द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, जनरल थंब रूल के हिसाब से जितने ज्यादा आपके आरसी पेयर्स होंगे उतना आपका ऑर्डर इंक्रीज करता रहेगा। सपोज इफ देयर इज ओनली वन आर एंड सी, वी से इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। तो जैसे जैसे आप आरसी कंपोनेंट बढ़ाते जाते हैं आपका ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है, आपका सर्किट और स्टीप 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 होता जाता है। एक जनरल रूल के हिसाब से अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जिसमें आपका एक आरसी कंपोनेंट लगा है, तो इसमें जो स्लोप होता है ये होता है -20 dB। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आपका होता है -40 dB। थर्ड ऑर्डर के लिए आपका स्लोप होता है -60 dB। सिमिलरली आपके nth ऑर्डर के लिए आपका होता है -20 dB। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द रियल रिस्पॉन्स, आप देखेंगे इसका स्लोप है इनफाइनाइट। देखिए स्लोप, दिस इज द स्लोप, जैसे आपका स्लोप इंक्रीज करता था। सो इतने हाई स्लोप के लिए आपको n भी चाहिए इनफाइनाइट, यानी कि हम कभी भी एक आइडियल फिल्टर डिजाइन नहीं कर सकते। आपको आइडियल फिल्टर डिजाइन करने के लिए इतना शार्प कर्व लेके आने के लिए आपको नंबर ऑफ आरसी पेयर बहुत ज्यादा चाहिए। सो दिस इज द टू मेन थिंग्स जो आपके फिल्टर डिजाइनिंग में यूज होती हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ द फिल्टर और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की है। ये मैंने आपको एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताया है कि आरसी पेयर को देख करके हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। अदरवाइज इसका जो मेन टेक्निक है वो ये है कि हम पर्टिकुलर सर्किट को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में उसके ट्रांसफर फंक्शन से हम फाइंड करेंगे कि ऑर्डर फिल्टर क्या है। बट आप सिंपली देखना चाहें तो आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि आपके आरसी पेयर कितने हैं उससे फाइंड करेंगे। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं इतना इन्फोर्स नहीं करूंगा कि आप ऑर्डर निकालना सीखें, बस आप ये सीखिए कि ऑर्डर ऑफ द फिल्टर से सर्किट के रिस्पॉन्स में क्या फर्क पड़ता है। सो वी वॉन्ट कि हमारा ऑर्डर हायर हो, पर हायर ऑर्डर होने का नुकसान क्या है, आपका सर्किट उतना लेंदेबल की होता जाएगा। सो आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, सेकेंड ऑर्डर फिल्टर, ये आपको मेनली पढ़ने हैं। नाउ यही आपके जो टर्म्स हैं 3 dB फ्रीक्वेंसीज, 3 dB पॉइंट और ऑर्डर, यही आपके लो पास के लिए, हाई पास के लिए, सबसे के लिए यूज होते हैं। नाउ वी विल सी कि अलग अलग फिल्टर के अंदर आइडियल और रियल रिस्पॉन्स हमें किस हिसाब से मिलता है। नाउ दीज आर द रेस्ट ऑफ द फिल्टर्स, हाई पास, बैंड रिजेक्ट एंड ऑल पास फिल्टर। इसका रिस्पॉन्स है, हम यहां लिखेंगे हाई पास फिल्टर। सो हाई पास फिल्टर द ब्लैक लाइन इज द आइडियलिस्टिक रिस्पॉन्स और ग्रीन आपको जो शो कर रहा है इट इज अ रियल रिस्पॉन्स। अगेन
इसमें आप देख सकते हैं दिस इज अ स्लोप और ये स्लोप डिपेंड करेगा जैसे हमने भी डिस्कस किया था ऑर्डर के ऊपर. अगर जैसे हम ऑर्डर इंक्रीज करेंगे इसका स्लोप और शार्प शार्प होता जाएगा. एंड कट ऑफ पॉइंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए अगेन दोबारा जैसे ए बाय रूट टू मेथड सेम आपका यहाँ पर है बैंड पास फिल्टर. यहाँ एक पर्टिकुलर बैंड बनता है एंड डिपेंडिंग अपॉन ये वाइड बैंड पास है नैरो बैंड पास है आपकी जो बैंड विड्थ है ये इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है. द सेम केस योर बैंड रिजेक्ट फिल्टर इस पे रिस्पॉन्स आपका उस पर्टिकुलर बैंड को रिजेक्ट करने के लिए है. ऑल पास फिल्टर के हम देखेंगे कि जो आपका गेन है यहाँ पे इट इज अ कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ये किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इसका फंक्शन डिपेंड नहीं करता है. तो अगर डिपेंड नहीं करता है तो उसको हम क्यों पढ़ते हैं क्या फर्क पड़ता है इसको हम जब ऑल पास फिल्टर की डिजाइनिंग देखेंगे तब देखेंगे. जनरली इसके अंदर हम गेन वर्सेज फ्रीक्वेंसी का कर्व नहीं बनाते हैं इसमें हम बनाते हैं फेस वर्सेज फ्रीक्वेंसी का यानी कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच के फेस डिफरेंस का. सो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन एक ओवरव्यू था कि कितने टाइप्स के फिल्टर्स आपने डिटेल में पढ़ने हैं. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर्स हम एक एक फिल्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे उसके सर्किट डायग्राम देखेंगे और उसकी हम डेरिवेशंस को आगे प्रोसेस करेंगे.